top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ब्रेड बच्चों पर पकड़ाइए ना आपको बाबू बच्चे आराम भैया उनको मत दो ना उनका उधर निकला क्या उधर भैया रुक तो जाओ भैया आप एक मिनट बच्चे आप लोगों पुराना कपड़ा दे रहा है आज अच्छे काम में आए सौभाग्य जो छोटा सा एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू करा था माननीय विधायक जी को बहुत पसंद आया अब ये पूरे नोएडा में विस्तार होने जा रहा है इसका और पॉलिटिकल आदमी कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नेता इस तरह से करते होंगे लेकिन आपने शुरुआत के पहले दिन से काउंटिंग के टाइम से ही जिस तरह से जरूरतमंदों की मदद करी थी तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे शहर में इस तरह का ये प्रोग्राम चालू होगा जिससे कि नोएडा के जरूरतमंदों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और अगर ये हमारा नोएडा में प्रयोग सफल होता है तो माननीय पंकज सिंह जी के माध्यम से ये पूरे प्रदेश में एक जरूरतमंदों के लिए एक नई आशा का संचार होगा। यहाँ पे भी पांच रुपए एक एक्चुअली हम जैसे आज पंकज सिंह जी के माध्यम से सारा कुछ हो रहा है लेकिन पांच रुपए एक पब्लिक के लिए एक स्वाभिमान होता है वो पांच रुपए दे के एक सस्ती चीज फ्री में किसी को नहीं देना चाहिए मेरा अपना मानना है। पांच रुपए में उनका स्वाभिमान जगता है इसलिए पांच रुपए लिए जा रहे हैं वरना पांच रुपए में तो प्लेट और चम्मच भी नहीं आती है। मैं इसके लिए श्री अनूप खन्ना जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस तरीके के काम को बहुत पहले से चलाया हुआ है और जब मैं यहाँ पर आया तो उनसे मिलने के बाद मैंने उनसे यह निवेदन किया कि इसमें मैं भी इसको पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने पूरे नोएडा में मैं इसको चलाना चाहता हूँ। उसी क्रम में आज दूसरी जगह से भी इसका संचालन आज प्रारंभ किया गया है। आगे हम लोगों की कोशिश होगी कि कम से कम भोजन कपड़ा जितना हो सके हम सब लोगों की तरफ से लोगों की मदद से भी उन जरूरतमंद लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें ये कोशिश हम लोगों की होगी। तरीकों से हम सब लोग इसमें अनेक तरीकों से भी इसको और भी लोगों के बीच में जो और भी जो जरूरत होंगी बेसिक नीड्स जो होती हैं वो चर्चा करके जितना हो सकेगा उन सब चीज़ों में भी हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। नहीं इस पर मैंने बात की इस पर मैंने आपने देखा होगा डीपीएस को लेकर हमने चर्चा भी की है और आज हमने वहाँ एक डेलीगेशन वहाँ पर जो समय भी अभी तक नहीं देता था लेकिन आज अभी हमने दो दिन पहले बात की थी आज पेरेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं उन्होंने खुद उनको अब करके बुलाया है मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे और अपने उत्तर प्रदेश में भी मैंने उच्च स्तर पर इस पर चर्चा भी की है।
और आगे बैठकर इसका समाधान निश्चित रूप से होना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा मिले और एक जितना कम पैसों में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिल पाए, ये होना चाहिए। अब देखिए आगे उसको कैसे हम सब लोग चर्चा करेंगे, उस पर लोगों से बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल एक विद्यालय के संबंध में ये बात आई थी जब मेरे सामने, उस पर मैंने चर्चा की और इस पर चर्चा करने के बाद उनसे हमने ये भी कहा कि नाम बच्चों का स्कूल से नहीं कटना चाहिए। और आज पेरेंट्स चाहते थे अपनी बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रखने के लिए, तो आज उनको भी हमने आज भेजा है।